नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। वक्त हो चुका है हिंदुस्तान 100 का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की फटाफट अंदाज में। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चीन को फटकार। हांगकांग, तिब्बत और बीगर मुसलमानों का मानवाधिकार कुचलने को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में 39 देशों ने उठाई चीन के खिलाफ आवाज। पीओके में चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बागचिनार और चकोठी में पाकिस्तान तैयार कर रहा है मिसाइल साइट। वार्ड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने कहा भारत विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बैठक में चीन को घेरा। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन को एशिया के लिए खतरा बताया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीजेपी नेता गुलाम कादिर राठौर पर जानलेवा हमला हुआ। गांदरबल के नुनार इलाके में किया गया हमला। बीजेपी नेता के बॉडीगार्ड की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर, साथी आतंकी भाग खड़े हुए। आतंकी हमले में एक सुरक्षाकर्मी भी गंभीर तौर पर जख्मी हुआ, बाद में अस्पताल में मौत हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। मकान में से 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने लाउडस्पीकर के जरिए आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा। आतंकवादियों ने सरेंडर नकारते हुए सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। यूपी के हाथरस कांड में आज एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हाथरस केस में नया मोड़ आया। पीड़िता के भाई और आरोपी के बीच 100 से ज्यादा बार हुई फोन पर बातचीत। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज जा सकता है फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। रिया के भाई श्रविक समेत चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई 20 अक्टूबर तक। न्यायिक हिरासत में है रिया और श्रविक। कुरुक्षेत्र ज्योतिसर तीर्थ पर राहुल गांधी पूजा अर्चना करने पहुंचे। राहुल गांधी ने गीता ज्ञान के साक्षी अक्षय वट वृक्ष के दर्शन किए। पंजाब के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली। गद्देदार सीट से हटकर दिखे ड्राइविंग सीट पर राहुल। भारत चीन विवाद पर बोले राहुल गांधी, कहा हमारी सरकार होती तो चाइना को उठा करके फेंक देते बाहर, 15 मिनट तक नहीं लगाते हम। राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर के पीएम मोदी पर फिर साधा निशाना, कहा इससे केवल अंबानी और अडानी को फायदा हुआ है, छोटे बिजनेस वाले आज भी परेशान। कृषि बिल को लेकर के सिरसा में किसानों का उग्र प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। कृषि कानून के खिलाफ मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की महापंचायत। किसान भी हुए हैं शामिल। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा किसानों की जमीन हड़पने की ये साजिश है। 2020 के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। रॉजर पेनरोज ब्रेनहाई गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला फिजिक्स का नोबेल। 2030 तक भारत का चीन से ज्यादा एलपीजी उत्पादन का लक्ष्य। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी उत्पादन करता है चीन। सीमा पर अब और मजबूत होगी भारतीय सेना। चीन से सटी सीमा पर तैनात जवानों को करीब 73,000 मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स मिलेंगी। समुद्री तट की रक्षा के लिए विग्रह पोत का 7वां अवतार लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के कुत्तुपल्ली पोर्ट पर समुद्र में उतार दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक। सुरक्षा समेत सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है पहली लिस्ट। पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दी। बिहार चुनाव में जेडीयू ने अपने कोटे की 122 सीटों की लिस्ट जारी कर दी। 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की हम पार्टी लड़ेगी चुनाव। सुशील मोदी ने किया ऐलान, बिहार चुनाव में किसी की कितनी सीटें आएंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, चाहे जिसकी भी जितनी सीटें आएंगी। नीतीश कुमार का चिराग पासवान को 2 टूक जवाब, कहा क्या रामविलास पासवान बिना जेडीयू की मदद से राज्यसभा पहुंचे हैं। सुशील मोदी की चेतावनी के बाद भी नहीं माने चिराग पासवान, ट्वीट करके लिखा बिहार में आपकी बार बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी एलजेपी सरकार। चुनाव से पहले टिकट के लिए सियासी घमासान। बीजेपी कांग्रेस और जेडीयू में टिकट पर टकराव। बीजेपी में भागे हुए राजेंद्र सिंह। मुजफ्फरपुर में आचार संहिता का हुआ खुलेआम उल्लंघन। बीएसपी प्रत्याशी का पैसे देते वीडियो वायरल हुआ। दरभंगा में स्कॉर्पियो से 1,11,09,000 कैश जब्त किए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। एक शख्स हुआ फरार। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 66,85,000 के पार। अब तक 1,03,569 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,267 नए मामले सामने आए, जबकि 884 लोगों की मौत हुई है। 5% से कम हुई है दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,676 नए मरीज, 39 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 12,258 नए मामले सामने आए, 370 लोगों की मौत हुई।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 847 नए मामले सामने आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2681 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। यूपी के जौनपुर में एक कोरोना मरीज ने की आत्महत्या, इलाज करा रहे 90 साल के बुजुर्ग ने तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग। हाथरस वेबसाइट मामले में ईडी ने शुरू की है जांच, जल्द होगी गिरफ्तारी, पीएफआई सदस्यों से पूछताछ। यूपी सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच में बनी सहमति, हड़ताल खत्म हुआ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला 3 महीने के लिए स्थगित। यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अखिलेश यादव के नाम लिखा है पत्र, निजीकरण के खिलाफ मांगी है मदद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड पर लगा 3000 रुपए का जुर्माना। लखनऊ में मंत्री स्वाति सिंह ने सरोजनी नगर तहसील के नायाब तहसीलदार को लगाई फटकार, तहसील में रिवॉल्वर लगा करके घूमने का आरोप। भ्रष्टाचार रोकने और महिला सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, निजी संस्थानों की जगह पुष्टाहार का उत्पादन और वितरण करेंगी महिलाएं। गैरसैंण में बनेगा उत्तराखंड भाषा संस्थान, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिए निर्देश, जमीन खरीदने के लिए 50 लाख की धनराशि का प्रावधान। यूपी की लखीमपुर खीरी में अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में लूट करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा समेत बाइक और मोबाइल जब्त। ट्रिपल सी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, यूपी एसटीएफ ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ, विभूतिखंड पुलिस ने की है गिरफ्तारी। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को परिजनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के झांसी में मोबाइल लूटने वाले गैंग का खुलासा हुआ, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के 12 मोबाइल भी बरामद। आगरा में देव टेक्निकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा, छात्रों का कॉलेज के ही लोगों पर मारपीट करने का आरोप। महाराजगंज में सभा को संबोधित करने के दौरान स्थानीय विधायक और दारोगा के बीच गहमागहमी, विधायक और दारोगा के बहस का वीडियो सामने आया। यूपी के सीतापुर में मुकदमा वापस लेने को लेकर के दबंगों का कहर, शख्स पर तलवार से किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में परिवार के 3 सदस्यों को बंधक बनाकर के डकैती की वारदात, चिन्हट इलाके की यह घटना। बीएचयू में शुरू होने वाला डिप्लोमा कोर्स भूत विज्ञान फिलहाल टला, कोरोना काल में तैयारी नहीं होने पर कोर्स रोका गया। पीलीभीत में बाघ ने एक ग्रामीण को निवाला बनाया, टाइगर रिजर्व क्षेत्र के पिपरिया गांव की यह घटना। हल्द्वानी में गुलदार के बढ़ते आतंक से गुस्से में ग्रामीण, वन विभाग के कार्यालय में किया हंगामा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में बजेगा अनोखा घंटा, बजते ही 10 किलोमीटर दूर तक जाएगी ओम की ध्वनि। कुंभ 2021 के आयोजन को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की है बैठक, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कुंभ का स्वरूप तय करेंगे अखाड़े के संत। एमपी में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सभी 28 प्रत्याशियों की लिस्ट, 25 सीटों पर कांग्रेस से विधायक पद छोड़कर के आए नेताओं को टिकट। उपचुनाव की जंग में कांग्रेस ने बदनावर से बदला चेहरा, अभिषेक सिंह टीकू की जगह कमल पटेल होंगे उम्मीदवार, 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई। भोपाल के मनुआभान टेकरी रेप और हत्या केस की होगी सीबीआई जांच, पिछले साल अप्रैल में 12 साल की मासूम से हुई थी हवानियत। इंदौर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई, यूनियन बैंक के मैनेजर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के मनमानी फी वसूलने का मामला, सुनवाई पूरी होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। साड़ी बांटने के वायरल वीडियो पर मंत्री ब्रजेंद्र यादव की सफाई, कहा आचार संहिता से पहले आशा कार्यकर्ताओं का किया था सम्मान। ईओडब्ल्यू के हवाले सौंपी गई है खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की जांच, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह ने की है उच्च स्तरीय बैठक। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों की जांच के बहाने कांग्रेस के निशाने पर महाराज के मिश्रा, बोले सिंधिया ट्रस्ट के अवैध कब्जों पर भी तुरंत फैसला ले सीएम। यंत्रीकरण योजना में घोटाले की शिकायत के बाद एक्शन में ईओडब्ल्यू, सब्सिडी पर दिए जाने वाले कृषि यंत्र में गड़बड़ी की जांच शुरू की गई। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुद्दे पर राज्यपाल ने राज्य के गृह मंत्री को लिखा पत्र, हिंसा की घटनाओं पर अनुसुईका उइके ने सरकार से मांगी है जानकारी। दुर्गा में किसान के खुदकुशी मामले की जांच करेगा विधायक दल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बनाई 3 विधायकों की कमेटी। सरगुजा के करोड़ों विकास कार्यों का तोहफा, सीएम भूपेश बघेल ने 154 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश में अब बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट के लिए लेनी होगी मंजूरी, हादसे के लिए लिफ्ट इंजीनियर होगा जिम्मेदार। अलवर के थाना गाजी गैंग रेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को आजीवन कारावास, मुकेश को कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा। सिरोही के आबू रोड में नाबालिग का अपहरण और गैंग रेप पीड़िता के पिता ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज करवाया केस। राजस्थान के उदयपुर में बदमाशों का आतंक, प्रतापनगर इलाके में दिन दहाड़े की चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
बारा में युवक का अपहरण कर मारपीट, पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा। एसपी से हेड कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। राजस्थान में अब जेल की गतिविधियां होंगी कैमरे में कैद, जेल कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे पहन करके करेंगे ड्यूटी। आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस में होता है सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट, कंपनियों की सालाना रिपोर्ट में खुलासा हुआ। नवरात्र में आलू खाना पड़ेगा महंगा तो टमाटर होगा सस्ता, 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा आलू का भाव इस बार। दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन बना दिया गया, 3 साल तक के लिए नियुक्ति की गई। अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल वेंचर में करेगी 5,512 करोड़ रुपए का निवेश, मिलेगी 1.02% हिस्सेदारी। दूसरे तिमाही में एचडीएफसी बैंक का लोन 16% बढ़ा, जबकि डिपॉजिट में 20% की बढ़ोतरी रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था वापस लौट रही है पटरी पर, सितंबर में सर्विस सेक्टर ग्रोथ में रही लेकिन रोजगार पर संकट बरकरार रहा। लेबर की उपलब्धता के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, मजबूत सरकारी ऑर्डर से मिली मदद। आईएमएफ चीफ का राहत देने वाला बयान, कहा इस साल ग्लोबल मंदी उतनी भयानक नहीं होगी जितनी लग रही है। सोने की कीमतों 66 रुपए गिर करके 50,692 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची है। चांदी 104 रुपए गिर करके 61,837 रुपए प्रति। भारत में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, इसे वायरलेस चार्जर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मुंबई की राजस्थान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत, मुंबई ने राजस्थान को 57 रन से हराया। ओलंपियन धनराज पिल्ले बोले, रानी और सविता की हॉकी टीम ओलंपिक में मेडल जीत करके टोक्यो में रचेगा इस बार नया इतिहास। ग्रैंड स्लैम के वुमन डबल्स के पहले दौर के मैच पर लगा फिक्सिंग का आरोप, आयोजकों ने जांच शुरू की। फ्रेंच ओपन में मैच फिक्सिंग। बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री बन करके आएंगी सपना भाभी, मिथुन के साथ किया था बॉलीवुड डेब्यू। थलाइवी की शूटिंग कर रही कंगना रनौत को सताई घर की याद, मनाली में चूल्हे पर मक्के की रोटी बनाते हुए शेयर की मां की फोटो। 20 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधेंगे सिंघम फेम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ लेंगी सात फेरे। इश्कबाज एक्ट्रेस नीति श्रेलर ने अगस्त में की है परीक्षित बाबा से सीक्रेट वेडिंग, बोली हम सगाई करने वाले थे लेकिन कोविड-19 की स्थिति देख करके सीधे हमने शादी कर ली। रिलीज हुआ मिर्जापुर 2 का धमाकेदार ट्रेलर, सीजन 2 की स्ट्रीमिंग 23 अक्टूबर से की जाएगी। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद किर्गिस्तान में बिगड़े हालात, मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ भड़के लोगों ने संसद पर धावा बोला। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर जो बिडेन ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा कोरोना संक्रमण के लिए ट्रंप खुद जिम्मेदार है। अमेरिका का एरिजोना डेमोक्रेट्स के लिए चुनौती, सर्वे के मुताबिक बिना लैटिन वोट के एरिजोना में किसी के लिए भी चुनाव जीतना मुश्किल होगा। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।